लगभग 500 वर्षों के अथक प्रयास तथा कानूनी लड़ाई के बाद विश्व की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य आयोजन के साक्षी आज भारत ही नहीं पूरा विश्व है। उसी क्रम में भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तरह तरह के आयोजन पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं, जिसमें सनातन सभ्यता और हिंदू सभ्यता के आदि पुरुष तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार किया गया, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। उसी क्रम में शिव काली जागरण समिति भारत द्वारा जगत जननी आदि शक्ति मां काली के सिद्ध स्थल ग्राम सुखईपुर में सुंदरकांड आरती तथा प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि पिछले लगभग 30 दशक से देव दीपावली के शुभ अवसर पर समस्त गाँव वासियों तथा स्थानीय लोगों द्वारा अखंड रामायण हवन पूजा आरती तथा भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। उसी क्रम में भारत सरकार के आह्वान पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अवसर पर शिवकाली जागरण समिति द्वारा सुंदरकांड पाठ आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सज्ज्वालन शिवकाली जागरण समिति के अध्यक्ष विजय शुक्ला, प्रभारी कोषाध्यक्ष हिमांशु शुक्ला, विवेक शुक्ला, प्रमोद शुक्ला, सुरेश शुक्ला, प्रद्युम्न शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, रामाकांत शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, धर्मेंद्र शुक्ला आदि द्वारा सुंदरकांड के पाठ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया और कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय माहौल में कार्यक्रम को सम्पन्न किया गया। ग्राम सभा के लोगों द्वारा पूर्व की भांति चंदा देकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया गया। Yeah.